हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और ये मेरा आज का तीसरा रिव्यू है। बेसिकली तीनों मूवी, जिस तरह कि मैंने अपनी पहली दो रिव्यूज में बता चुका हूँ, तीन मूवीज एक दिन में देखी हैं, तो इसलिए जो है बैकड्रॉप भी थोड़ा सिमिलर आ रहा है। बाकी जो अभी तीसरी मूवी मैंने देखी है वो है मेगालोपोलिस। तो मेगालोपोलिस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मूवी है, जिस तरह की इसका नाम मुश्किल है, इस तरह की मूवी भी जो है काफी मुश्किल है समझने के लिए। बहरहाल इसकी स्टोरी के बारे में बात करने से पहले इसके जो है कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एडम ड्राइवर है जिसने बिल्कुल ही घटिया ड्राइविंग की है अभी इसके अंदर, मूवी के अंदर। नैथली इमैनुअल है, उसके बाद ओबरी प्लाजा है, वॉन, बाकी जो है नाम इतने खास नहीं है, है काफी, एक बंदा मैट्रिक से भी है तो उसका नाम नहीं मुझे पता। बहरहाल नामों को छोड़ते हैं, मूवी के बारे में बात करते हैं कि मूवी उन्होंने दिखाया है कि जो न्यू रोम है, जिसे कि न्यूयॉर्क सिटी उन्होंने दिखाया है, वहां पे बेस किया गया और इसको जो है पुराने रोम के साथ इसको जो है इनके सिमिलैरिटीज इसकी मिलाने की कोशिश की है। कैसे जो है पुराना रोम तबाह हुआ क्योंकि चंद लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, और यहाँ पर बेसिकली मूवी के अंदर यही बता रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क सिटी है या फिर अमेरिका है वो पुराने रोम की तरह अपने जो है तबाह होने की कतार पर है, या फिर अगर कह लें तो तबाही जो है बिल्कुल आपके कदमों में है लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे क्योंकि चंद लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, चंद लोग जो है रोम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, रोम जो कि न्यूयॉर्क सिटी है। बाकी अगर बात करें एडम ड्राइवर, तो वो इस मूवी के अंदर टाइम भी रोक सकता है मूवी का, यानी कि पहले इतना मैं बता दूं, मूवी को मैं ज्यादा झेल नहीं सका इसलिए घंटा मूवी देख के मैं निकल आया हूं। मेरे से पहले चार पांच बंदे और निकले हैं क्योंकि मूवी आपको दिखाती कुछ है लेकिन आपको समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। मूवी इतनी घटिया कि आप उसे जो है, मैंने घंटा भी मुझे पता है मैंने किस तरह झेला मूवी को, तो मेरे हिसाब से तो मूवी नहीं देखनी चाहिए। बहरहाल लेकिन फिर भी मैं जितनी मैंने देखी उतना मैं बता दूं, तो मेरे ख्याल से पहली मूवी होगी कि जो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर है, डरना मना, जिसके अंदर आफ्ताब का जो सीन था मूवी के अंदर, जो स्टोरी थी कि जहां पर वक्त को रोक सकता है वही इसके अंदर एडम ड्राइवर कर सकता है, वक्त को रोकता है और उसके बाद जो उसको चलाता है उसको रिपीट करता है, देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये पूरी मूवी है, मूवी को इन्होंने काफी यानी बहुत ज्यादा साइंटिफिक करने की भी कोशिश की है, काफी यानी बीच में मिथ्स दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है मूवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो मूवी जो है टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, अगर किसी ने देखनी है तो अपनी मर्जी पर देखे, सर दर्द कराना करा ले, क्योंकि बाकी पहली जो दो मूवीज देखी थी जिसके अंदर वाइल्ड रोबोट था और उसके बाद एजरियल थी, वो दोनों मूवियां जो है काफी अच्छी थी, उसके मुकाबले ये मूवी सर दर्द है, तबाही है अपने दिमाग की और कुछ नहीं है इस मूवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने मूवी देखनी भी है तो देखे, अपना टाइम हो जाया करे। मेरे तरफ से तो जो है बिल्कुल मूवी को जीरो, अगर रिव्यू का स्टार वगैरह तो जीरो ही है। तो यही मेरा रिव्यू था, यही मेरे दो सेंट थे इस मूवी के बारे में। बाकी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर आइए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं या फिर जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।